चलोगे? बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता दी। क्या आप भी प्लान बना रहे हो माता रानी के भवन में जाने का और आपको डर लग रहा है कि बहुत ठंड है? तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हो पैदल तो आपको गर्मी लगने लगेगी और पसीने निकलने लगेंगे। जी हाँ, हमारा भी कुछ यही हाल था। हम लोग फुल स्वेटर और दो दो कपड़े पहन कर गए थे क्योंकि सबने डरा दिया था वहाँ पर बहुत ठंड, और विंटर्स में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। पहले तो मैंने अंदर वार्मर पहना, फिर वेलवेट का सूट पहना, उसके ऊपर से ये बहुत ही पफी जैकेट पहनी, फिर शॉल ले लिया, ठीक है, और हम लोग निकल पड़े माता रानी के भवन में। और लखन को देखो, फुल फेस कवर कर लिया था, लखन को डर भी बहुत लग रहा था। और हम रास्ते में बोलते हुए जा रहे थे जय माता दी, और कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले जिनको हमने बताया था हम आ रहे हैं। उन सभी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम जितना आगे चलते गए हमें इतना अच्छा लगा कि आप पूछो मत। सच बताऊं तो गर्मी लगने लगी। कुछ सब्सक्राइबर्स तो ऐसे भी थे जो हमारा काफी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन हमारा टाइम शेड्यूलिंग के चक्कर में उनके दर्शन पहले हो। खैर, मैं सबसे यही पूछती भी जा रही थी कैसे रहे आपके दर्शन, और सब बता रहे थे ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है। मुझे बस यही डर लग रहा था कि ओवर ही ठंड ना हो, क्योंकि हम अपने साथ एक्स्ट्रा शॉल नहीं लेकर आए। मेरी बहन का चल चल के बुरा हाल हो गया था, इसलिए मुझे उसको खींचना पड़ रहा था। और आप लखन को देख सकते हो, लखन ने जैकेट भी हटा दी थी और टोपी भी हटा दी थी, और मैं इतना ज्यादा थक चुकी थी कि मैंने लखन को बोला था चलो भैया मुझे गोद में लिखाई लो। लखन ने मुझे यहाँ पर गोद में उठाया और फिर थोड़ी आगे चल के दोनों भाइयों ने मिलके मेरे पैर दबाए। सच बता रही हूँ, पैर में दर्द हो गया था क्योंकि हमें वॉक करने की इतनी आदत नहीं है। फिर यहाँ पर पानी के बहुत सारे हमें टैंक दिखे, जिसमें से यहाँ पर गर्म पानी भी है, अलग अलग तरीके का पानी है। जितना हम आगे चलते गए उतनी हमें गर्मी लगती गई। और यहाँ पर देखो कैसे लोग सो रहे हैं भवन के जस्ट नीचे। सबने प्री बुकिंग करा रखी थी, यहाँ पर शॉल ले रखे थे, ब्लैंकेट्स ले रखे थे, और सब आराम से सो रहे थे। सुबह की आरती का वेट कर रहे थे सब। हम लोगों का भी काफी मन था कि सुबह की आरती हम देखेंगे, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद और प्री रिजर्वेशन करने के बाद हमें वो टिकट्स नहीं मिली। लेकिन हम दिल से बहुत खुश थे कि हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, माता रानी के भवन आए हम लोग, और हमने यहाँ से लिया प्रसाद और चुनरी। फिर हमें यहाँ पर और भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले, छोटी छोटी बच्चियां जो हमारी ननन भाभी देखती हैं। बट मैं सच बता रही हूँ, ऊपर बहुत ही ज्यादा ठंड है। बोला जाता है माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करने पड़ते हैं, यानी कि आपकी यात्रा या फिर कभी दर्शन वो अधूरे रह जाते हैं। तो माता रानी के दर्शन हमने कर लिए थे, अब हम निकले भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हमें ये बकरी दिखी जिसको सब बोल रहे थे ये बकरी नहीं है, ये है किरण। सब बिल्कुल गलत थे। और आप आगे देखोगे मैंने अपनी स्वेटर्स और शॉल सब हटा दिया था क्योंकि धूप इतनी तेज निकल आई थी। तो अगर आप भी डर रहे हो जाने में तो बिल्कुल मत डरो, बहुत ही अच्छा वेदर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थक तो जाओगे ऑफिस। तो कमेंट से बोलते हुए जाना जय माता दी, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक नई वीडियो।